हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करते हैं फिर से एक पेनी स्टॉक की जो कि मात्र 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्यों ये फिर से रडार में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, ये कैसे पता लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपको कहूँगा, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को आप वॉल्यूम के माध्यम से पहचान सकते हो। जब बड़ी मनी एक्टिवेट होती है किसी स्टॉक में, तो वो अपने पदचिन्हों के निशान को, मैं कहूँगा पदचिन्हों को, आप ये मान के चलिए, आपको छोड़ के जाती है। वो ऐसे नहीं रहेगा कि भाई उसका वॉल्यूम किसी को दिखेगा नहीं। अगर आप, मैं कहूँगा, इंडिकेटर सोचिए, खाली प्राइस को देखिए, साथ में वॉल्यूम को देखिए, तो आपको पता लगेगा कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस स्टॉक में। तो चलिए समझते हैं डिटेल में प्राइस एक्शन के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डिस टीवी इंडिया लिमिटेड। आज 1900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कुछ बड़ा होने वाला है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगर तसल्ली से बताऊं तो देखिए, ये पिछली बार जब रडार में आया था तो 15 रुपये का था। और इसके साथ साथ हमने काफ़ी डिटेल में, क्योंकि HFCL के शेयर को, ट्राइडेंट के शेयर को, अक्स ऑप्टीफाइबर के शेयर को काफ़ी बारीकी से देखा है और उनके करेक्शन रिजोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझा है। और उन करेक्शन रिजोल्यूशन को जब आप देखोगे, समझोगे, आप कहोगे वाह यार क्या जबरदस्त। ट्राइडेंट का जो स्टार्टिंग बेस फॉर्मेशन हुआ था, जब भागना स्टार्ट किया था, इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस हुई थी, तो 6 से 7 रुपये का था। आज 50 रुपये पार है। HFCL को देखोगे तो 15-16 रुपये से जब वो स्टार्ट हुआ था मूव, बड़ा मूव। लेकिन वो कैसे पता लगता है कि बड़ा मूव स्टार्ट होने वाला है? देखिए, किसी भी स्टॉक में बड़ा मूव होगा तो कहीं ना कहीं से कोई बड़ा प्लेयर उसको खरीद रहा होगा, तभी वो उसको आसमान पे लेके जाएगा। जब बड़ा प्लेयर कोई माल खरीदेगा तो क्या आपको दिखेगा नहीं वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? वो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा आपको वॉल्यूम से। क्योंकि जब बड़ी डील होगी, बड़ी ट्रेड होगी, बड़ा माल खरीदा जाएगा, तो वो कहाँ दिखता है? वॉल्यूम से। आप ये देखिए, दिसंबर 2020 के महीने में डिस टीवी के शेयर में बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ। फिर मई 2021 के मामले में उसमें हुआ। फिर से देखिए, ये देखिए, बीच में 4 महीने 3 महीने का बीच में गैप जरूर आया। फिर देखिए, और अब ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने का जो गैप था लो वॉल्यूम वाला, वो ख़त्म। और अब की बार जो वॉल्यूम जनरेट होगा तो वो और ख़तरनाक हो सकता है आने वाले टाइम पे। लेकिन आपने जब वॉल्यूम को देख लिया, आपने जब प्राइस एक्शन को समझ लिया, तो फिर अब आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि हमने इस स्टॉक का वीडियो आपको जुलाई के मंथ में आई थिंक लेके आए थे, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस फॉल फिर से हुआ। लेकिन जो हमारा यहाँ पे एक्शन था, भाई बड़े वॉल्यूम के बाद लो वॉल्यूम की करेक्शन आई है, तो जैसे ये रिजॉल्व होगी, एक रैली देगी, फिर से आपको अगली अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, फिर से लो वॉल्यूम की करेक्शन आएगी, वो रिजॉल्व होगी, तो फिर आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इस बार की अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ा बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ 50 EMA मंथली पे काफ़ी ऊपर है, इंतज़ार कर रहा है। और ये अगर लेवल यहाँ तक जाता है, अब देखिए रिस्क कितना है, इंपॉर्टेंट है रिस्क कितना है। रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको हिट होने दीजिए, क्योंकि आपका वो प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपका प्लान फेल हो रहा है तो फिर वो प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है, बाहर निकलना है। किससे? भाई जो आपने प्लान में रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें लगाई हैं उसके हिसाब से बाहर निकलना। हाँ, अगर आपका, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मेरी चीज़ें बरकरार है, 1 महीने की और करेक्शन आ गई और वापस दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन यू हैव अ सेकंड चांस ऑफ एंट्री। बट जब पहला प्लान फेल हो गया, फिर से जब मौका मिलेगा तो तब एंटर कर सकते हो। बट अगर प्लान फेल हो गया तो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। देखिए, प्रॉफिट बुक करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन लॉस बुक करना, जिसने सीख लिया तो मतलब लॉस उसके कंट्रोल में आ गया। लॉस बुक करने से आपको तभी डर लगेगा जब आपकी पोजीशन क्वांटिटी आपके कंट्रोल में नहीं होगा, पोजीशन का साइज आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके लॉस के कंट्रोल में नहीं होगा। इसीलिए अपने लॉस के बेसिस पे पोजीशन का साइज रखें, ताकि आपको लॉस बुक करने में डर ना लगे। मैं बार बार लॉस की बुक करने की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, लॉस आपके हाथ में है। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? लॉस को। प्रॉफिट मार्केट कंट्रोल करेगा, आप किसको करोगे? लॉस को। अब ये देखिए, अब सीधे ये लेवल जो है, आप समझ जरूर गए होंगे कि क्यों ये वीडियो सामने आया है। 2 महीने की लो वॉल्यूम, पहले देखिए हाई वॉल्यूम, फिर ये देखिए। हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की जब बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है?
क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता है स्मार्ट मनी कहाँ एक्टिवेट हो रही है। स्मार्ट मनी मतलब सिंपल सिंपल आप उसको ऑपरेटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैं उसको कहता हूँ एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको पैसा यहाँ कोई स्टॉक यहाँ पे खरीदना है, वो अपने हिसाब से उस स्टॉक को मूव करेगा, तो आपको बस दिख रहा है और उसी के मूव के अंदर चाहे वो अप जाए चाहे डाउन जाए आपने अपना प्रॉफिट निकाल के जेब में रख लेना है। उसी के मूव को समझ के कि क्या एक्टिविटी हो रही है आपने उसी को ही एंजॉय करना है। नाउ वी आर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मैं आपके लिए देखिए पिछली बार जब वीडियो लेके आया था तो हम जुलाई फ्रेम में थे और मैं क्लियर कट आपको बता दूं इस कैंडल ने लगा भाई करेक्शन रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये करेक्शन को थोड़ा सा और नीचे आना था। और ये देखिए इसने इन एरियाज की पूरी लिक्विडिटी, अगर जो जिन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो डेफिनेटली उनकी जो है लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया गया होगा। अब आपको यार लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी इंड्यूस की जाती है, उसके बेसिस पे ये स्मार्ट मनी के सारे वर्क फ्लोज हैं। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी इंड्यूस की जाती है, फिर आप इस एरिया में स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर आपके स्टॉप लॉस को ये स्प्रिंग के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और देखा जाता है कोई और बड़ा प्लेयर तो नहीं एक्टिवेटेड है। यानी कि वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर खरीदता है तो वो प्राइस काफ़ी दूर निकल जाता है, तो उसको प्राइस को कंट्रोल भी करना होता है, इसीलिए फिर वो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में माल बेचेगा और फिर से जब देखेगा कोई और प्लेयर एक्टिवेटेड नहीं है फिर खरीदेगा। लेकिन अब देखिए ये सिचुएशन आप फिर से देख रहे होंगे, ये जो कैंडल बनी है इसने फिर से इम्प्रेसिव यहाँ पे मैं कहूँगा एक करेक्शन रेजोल्यूशन का साइन दिया, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया। अगर आप देखो मैं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी पे भी जाता हूँ, बार बार ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ, इम्बैलेंसेस की बात करता हूँ, लिक्विडिटी की बात करता हूँ, इन टर्मिनोलॉजीज को जब आप देखोगे दीज आर टेक्निकल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। ये अपने आप में बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी आपको चीज़ें बताते हैं ऑलवेज कहते हैं थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्मार्ट मनी। ये प्राइस ऊपर जा क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर कोई प्लेयर देखिए इतना बड़ा माल खरीद रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग मोटो बिहाइंड दिस बिग बाइंग, क्यों खरीद रहा है वो इस माल को। हाँ, अगर इसको ऊपर जाना है तो डेफिनेटली वो और उसको खरीदने की कोशिश करेगा, इतने कम में उसका काम नहीं चलेगा तो वो फिर से प्राइस को कंट्रोल करेगा। जब प्राइस इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है प्राइस मूवमेंट की वजह से तो जो स्मार्ट मनी का प्लेयर है वो ऑलवेज ट्राई, अगर उसे और खरीदना है तो दे विल कंट्रोल द प्राइस और प्राइस को वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और वो जो नीचे लाने का एरिया होता है वो कौन होता है, कौन सा एरिया होता है, अगर आप तसल्ली से देखो जनरली वो प्रायर हाई के नियर होता है। देखिए ये देखिए जो प्रायर रेजिस्टेंस प्रायर सपोर्ट इसके नियर होता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक की बात करो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इन एरियाज में थोड़ा सा आपको एक काइंड ऑफ छोटी करेक्शन देखने को मिलेगी, उन एरियाज में आपको देखने को मिल सकता है। आपको गैर हुआ क्या बात कही है, आपने हमेशा देखा होगा प्राइस जंप करता है, ये देखिए करेक्शन आया, फिर से जंप किया, करेक्शन आया, और इस करेक्शन का अगर आप तसल्ली से देखोगे इन एरियाज के अंदर तक वो आने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है एक काइंड ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि ये स्प्रिंग बना है इसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे जरूर आता है और उसके बाद फिर वापसी आपको देखने को मिलता है, इसको वाइक ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन या री एक्यूमुलेशन आप इसको कह सकते हो। ये सारे देखिए एक्यूमुलेशन के जो है पार्ट है, वाइक ऑफ के अलग अलग तरीके के स्कीमेटिक्स हैं जो मैं बार बार बात करता हूँ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा, आपको रीटेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है, अलग अलग फ्लेवर उसके हैं, बट ओवरऑल जो मेजर जो गोल है वो इसी तरीके का है कि भाई हायर हाई और हायर लो की सीरीज बनेगी और आपको मौका मिलेगा। फिलहाल अगला टारगेट क्या, 28 का टारगेट क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि 28 का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो 200 SMA वीकली पे और अगर आप देखोगे मंथली पे 50 MA की लाइन, ये सब यही 28 को सजेस्ट कर रहे हैं। और डिस टीवी में क्या मूव जनरेट होता है, अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिलहाल आप RSI को भी देख सकते हो कि किस तरीके से RSI पे सिचुएशन बनी है। वीकली पे हम गियर चेंज कर चुके हैं, ये देखिए जो गियर चेंज करते करते अब देखिए ये सिचुएशन बहुत ही बढ़िया, MACD भी पॉजिटिव, RSI भी पॉजिटिव, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम को भी समझिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे लिए एक जोन होता है, जब मैं जुलाई में आपके लिए वीडियो लेके आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये 60 को पार करके हॉल्ट दे, लेकिन इसने हॉल्ट नहीं दिया। मुझे अगर क्लियर कट बात करूँ, एक सबसे कॉन्फिडेंस वाला जो सिस्टम लगता है ना वो कौन सा लगता है, जब इस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती है,
ये देखिए, या तो आप कहोगे मैं यहीं पे बिल्कुल एंट्री कर लूँ, लेकिन अगर आप तसल्ली से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी करेक्शन रिजॉल्व हुई थी जब हम लास्ट टाइम पे आपके लिए वीडियो लेके आए। लेकिन उस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, अगर आपका डेली टाइम फ्रेम, अगर मैं मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ, इन तीनों को जो है मैं कंसिडर करके बात चलूँ, तो सबसे अच्छा मुझे लगता है ये जोन। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में मैं बात करता हूँ कि RSI सुपर मोमेंटम एरिया में पहुँच के वहाँ पर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना RSI के, ये एंड्रू कार्डवेल जिनको RSI का गॉड कहा जाता है, उनके कॉन्सेप्ट है रेंज शिफ्ट की थ्योरी की बात करते हैं बार बार। क्योंकि एक बार प्राइस आपका नीचे पहुंच गया तो जब ये वापसी होगी इन एरियाज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, जैसा कि आप देखते हो यहां पे हमें देखने को मिला। और यही वो 15 का लेवल है जहां से सीधे ये स्टॉक गया 22-23 के लेवल पे। आप देखोगे कि ऑल्दो आपको ये 4 दिन के अंदर पूरा मूव मिल गया, और ये मोमेंटम, ये मूव जो है एक फास्ट मूव के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम टाइम वाले में मूव आपको मिलता है यहां पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप, आपको 100% 200% का मूव मिल गया, लेकिन हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा और बढ़िया ही देके जाएगा, और ये एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप तसल्ली से देखो इसी पर्टिकुलर पार्ट को देखो, अगर आप एंटर कर रहे हो, मान लो यहाँ पे एंटर कर रहे हो 16 के लेवल पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि आपको ये दिख रहा है जॉइंट का फॉर्मेशन, तो आप खुद ही देख लीजिए। उसी तरीके की सिचुएशन मुझे अभी देखने को मिली है, इसीलिए मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये देखिए, ये 1895 फिर से हम वही जोन में एंटर कर चुके हैं और हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कभी भी रैली साथ के साथ MACD, और पिछली बार भी देखिए एंटर ऊपर ही किए थे। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा जो भी कम्युनिकेशन, जो भी चीजें हम आपके, आपको वीडियोस के माध्यम से बताते हैं, और आपको चीजें क्लियर जरूर होती रहेंगी, लेकिन और ज्यादा क्लियर ये तभी होंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि सीख आप कहीं से भी लो, चाहे लाखों रुपए के कोर्स कर लो या फ्री में यूट्यूब की वीडियोस देख के भी सीख लो, बट एट द एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो कैप्चर होगा, जो लर्निंग आपके अंदर आएगी, जो समझोगे आप, वो बहुत ज्यादा होगा प्रैक्टिस के बाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।